नमस्कार। एक महीने का सस्पेंस खत्म हुआ। हेमंत सरकार का जो कैबिनेट विस्तार था वो पूरा हुआ। 11 लोगों की टीम है, हेमंत 11। और ये जो नया कैबिनेट बना है, पहले 3 मंत्रियों ने एक महीने पहले शपथ ली थी 29 दिसंबर को, और अब इस बार 28 जनवरी को बाकी 8 सदस्यों ने शपथ ली। तो पहले मुख्यमंत्री के साथ जिन 3 लोगों ने ली थी शपथ, उनके अलावा इस बार कुल 7 लोगों ने शपथ लिया, जिसमें कि जेएमएम कोटे से 5 थे और कांग्रेस कोटे से 2। तो ये जो कैबिनेट है, हेमंत मंत्रिमंडल जो है, हेमंत 11 जिसको कह सकते हैं, उसको हम कितने अंक देंगे? ये जो कैबिनेट है वो किस तरह का कैबिनेट है? लोगों के उम्मीदों पर, भरोसे पर ये कितना खरा उतर पाएगा, इसके बारे में समझने की हम लोग आज कोशिश करना चाहते हैं। तो शुरुआत पहले इस चीज़ से करते हैं, शैलेंद्र जी नमस्कार, कि जो हेमंत का कैबिनेट है उसको आप ये जो झारखंड का भूगोल है उसके नज़रिए से देख के बताएं कि कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ है एरिया का। इस मंत्रिमंडल में साफ तौर पे भौगोलिक संतुलन दिखता है, खासतौर पे जो जेएमएम के स्ट्रांग होल्ड थे, जैसे कि संथाल परगना हमेशा से जेएमएम का गढ़ रहा है और इस बार उनको सफलता भी अच्छी मिली है। वहाँ पे 18 सीटों में से 14 सीटें 13 सीटें उन्होंने जीती हैं और इसमें से 4 मंत्री बने हैं अगर हेमंत सोरेन को जोड़ा जाए तो। तो ये संथाल परगना उनका अपना पुराना गढ़ था और यहाँ बीजेपी उनको बहुत कड़ी टक्कर दे रही थी, खासकर लोकसभा चुनाव में उनको बहुत बुरी स्थिति का सामना करना पड़ा था जहाँ पे शिबू सोरेन हार गए थे। तो संथाल परगना उनके लिए इज्जत का सवाल था और ये उनका हमेशा से स्ट्रांग होल्ड रहा है। तो इस बार उन्होंने उस क्षेत्र में अच्छी सफलता हासिल की गठबंधन ने और इसका फ़ायदा भी मिला, मुख्यमंत्री को जोड़ दिया जाए तो फिर 4 वहाँ से मंत्री पद दिए गए हैं। दूसरा जो गठबंधन ने जिस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा ध्यान दिया वो कोल्हान में उन्होंने लगभग बीजेपी का सफाया ही कर दिया, 14 की 14 सीटें गठबंधन को मिली हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता थी और इसलिए कोल्हान क्षेत्र से भी 3 मंत्री दिए गए हैं। जहाँ तक पलामू की बात है, वहाँ पे उनका बहुत ज़्यादा ये नहीं था और वहाँ पे उनको उतनी सफलता ही नहीं मिली है। पलामू में 9 में से 3 सीटें उन्होंने जीती हैं, वहाँ से 1 मंत्री दिया गया है। उत्तरी छोटा नागपुर, यहाँ 25 सीटें थी, यहाँ से 9 सीटें उन्होंने जीती हैं, यहाँ से उन्होंने 2 मंत्री दिए हैं। और दक्षिणी छोटा नागपुर में 15 में से 9 सीटें उन्होंने जीती हैं और 1 को मंत्री बनाया गया है। तो कुल मिला के उन्होंने जिस क्षेत्र में जहां उनके विधायकों ने अच्छा प्रदर्शन किया वहां उन्होंने उनको अवार्ड देने की कोशिश की है और मोटे तौर पे वो क्षेत्रीय संतुलन बना के रखा है उन्होंने। तो एक बहुत अच्छी चीज़ है कि क्षेत्रीय आधार पर जिस जगह पर विधायकों ने या जहाँ जनता ने उनका सपोर्ट किया वहाँ से उन्होंने 1 मंत्री देने की जरूर कोशिश की, उन्होंने किसी हिस्से को छोड़ा नहीं है और इसमें कोई वैसा पक्षपात या कोई और मुद्दा काम नहीं है, बस उन्होंने उसको बहुत सलीके से संतुलित किया है। दूसरी चीज़ ये है कि संतुलन सिर्फ इसी में नहीं है, कई जो मंत्री उन्होंने बनाए हैं उनके काम अनुभव और इस आधार पे भी उसमें हेमंत सोरेन ने बहुत अच्छा संतुलन दिखाया है। और इस बारे में आशीष जी आप कुछ बताएंगे। शैलेंद्र जी, आपका सवाल है कि अगर अनुभव के नज़रिए से बोले, एक्सपीरियंस के नज़रिए से, तो ये कैबिनेट कितना संतुलित है? ये हेमंत 2 है। पिछली बार जब वो 2013 में मुख्यमंत्री बने थे तब वो सिर्फ 35 साल के थे, इस बार हेमंत 42 साल के हैं और अभी भी अपने कैबिनेट के सबसे युवा सदस्य वही है। एवरेज जो एज है इस कैबिनेट का वो 36 ईयर्स है और आधे सदस्य है जो कि 10th ही पास है। लेकिन अनुभव का पैमाना सिर्फ यही नहीं होता, अगर पहले जो मंत्री रहे इसका पैमाना माना जाए तो इस सरकार में जोबा मांझी सबसे अनुभवी मंत्री है जो कि 5वीं बार मंत्री बनी है। उनके बाद हाजी हुसैन अंसारी है जो 4थी बार मंत्री बने हैं और फिर इस तरह से चंपई सोरेन है जो 3री बार मंत्री बने हैं और जो बाकी लोग मंत्री बने हैं इनमें से 6 मंत्री ऐसे हैं जो कि पहली बार मंत्री बने हैं। और इस तरह से ये जो पूरा कैबिनेट है ये अनुभव के नज़र से इनको पहले कई लोगों को पहले मंत्री पद का अनुभव है, लेकिन इस कैबिनेट की एक और भी तस्वीर सामने आती है, वो ये है कि ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है इसकी पहचान शिबू सोरेन से जुड़ी रही है और
हेमंत वन में जब पहली बार हेमंत सोरेन बने थे उस समय से इस बार का जो उनका कैबिनेट है इसमें एक साफ कोशिश नजर आ रही है कि हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन की विरासत और साये से आगे बढ़कर अपनी अलग पहचान कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कैबिनेट में देखा जाए ये पहचान कहाँ पे दिखती है कि कहाँ पर है जो कैंडिडेट लगता था कि शिबू सोरेन जी का है और कौन है जो कि हेमंत सोरेन का है, तो अगर आप देखें कि स्टीफन मरांडी, ये सीधी बात है झारखंड में जितने भी लोग चुन के आए उनमें सबसे ज़्यादा अनुभव उनको है, संभवतः 8 बार वो जीत गया है, लेकिन वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है। और शायद उसमें ये बात है कि एक जो पद खाली रखा गया है रघुवर दास की पिछली सरकार की तरह, तो संभवतः ये पद स्टीफन मरांडी जी के लिए हो सकता है कि ये खाली रखा गया हो। क्रिश्चन कोटे की भी बात हो सकती है, लेकिन स्टीफन मरांडी साफ तौर से शिबू सोरेन से जुड़े हुए नेता माने जाएंगे। और उसके बाद तो आप देख सकते हैं कि स्टीफन मरांडी कम से कम अभी तो शामिल नहीं है। इसके अलावा जिनको उन्होंने शामिल किया, जैसे मथुरा महतो अगर होते तो कहा जाता कि ये शायद शिबू सोरेन के मंत्री है, जगन्नाथ महतो है पहली बार मंत्री बने, तो ये साफ है कि झारखंड में जो कुर्मी समुदाय है उसको साधने की कोशिश हेमंत तो कर रहे हैं, लेकिन मंत्री उनको ऐसा चाहिए जो उनका अपना कॉन्फिडेंट हो, मतलब उनका अपना समर्थक हो। इसी तरह से मिथिलेश ठाकुर को पलामू से, जैसा आप अभी कह रहे थे कि पलामू में सरकार ज़्यादा नहीं जीते, लेकिन जेएमएम का एरिया विस्तार हुआ वहाँ पे मिथिलेश ठाकुर के चलते, तो उनको इसका इनाम मिला है। तो ये क्लियरली हेमंत की टीम के मेंबर है। और महिला में जोबा मांझी, तो क्लियरली आप देख सकते कि ये शिबू सोरेन की टीम से है जोबा मांझी। इसी तरह से चंपई सोरेन के मामले में भी है कि शायद नलिन सोरेन होते तो कहते कि शिबू सोरेन की टीम के है। तो एक ये कोशिश शैलेंद्र जी डेफिनेटली दिखती है कि हेमंत चाहते कि ये टीम मेरी और मेरी हो, ये पिता की विरासत से निकल करके आगे अपनी पहचान बनाने की कोशिश है। तो अगर इसी चीज़ को थोड़ा आगे बढ़ाए तो ये कह सकते हैं कि जातिगत जो समीकरण है उसमें आप कुछ ऐड करना चाहेंगे तो आप ऐड कीजिए। हेमंत सोरेन ने इस मंत्रिमंडल में जातिगत समीकरण का भी पूरा ख्याल रखा है। उनका जो मुख्य वोट बैंक था वो आदिवासी सरना आदिवासी का वोट बैंक था, यहाँ से 4 मंत्री बने हैं मुख्यमंत्री अगर हेमंत सोरेन को जोड़ लिया जाए तो। और ओबीसी से 2 लोग हैं, 2 मंत्री, 2 लोगों को मंत्री बनाया गया है, जबकि ओबीसी करीब 40% है झारखंड में। लेकिन अगर आप इसमें स्पीकर के पद को जोड़ लें जो रविन्द्रनाथ महतो को मिला है, तो एक तरह से 3 उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, 3 मंत्री के लेवल के लोग हो गए उनके। और जहाँ तक महिला का बात है तो उसमें सिर्फ 1 महिला को, जोबा मांझी को मौका मिला है, और ये थोड़ा सा कम है, जो उनको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था। तीसरी चीज़ है जो अल्पसंख्यक समुदाय, जो उनका मुख्य वोट बैंक था दूसरा, जिसने काफ़ी हद तक सपोर्ट किया जाएगा कांग्रेस को, तो वहाँ से उन्होंने उनको 2 मंत्री दिए हैं, आलमगीर आलम है और हाजी हुसैन अंसारी है। सामान्य वर्ग से भी इस बार उन्होंने 2 लोगों को दिया है, बहादुर पत्रलेख और मिथिलेश ठाकुर को। तो ये हेमंत सोरेन ने काफ़ी बैलेंस करके किया है काम, और इस मामले में किसी वर्ग को उनसे शिकायत नहीं होगी, कम से कम जातीय तौर पर। लेकिन अगर इन मंत्रियों के अपने उनके शैक्षणिक स्तर और इन सब चीज़ों को दे लें और ये कैसा काम कर पाएंगे, तो इस बारे में अगर आशीष जी आप कुछ प्रकाश डालें। देखिए, काम करने का जो पैमाना है वो तो जब इनका काम सामने आएगा तो वो जनता देखेगी। मुझे लगता है कि इसको हम लोग इस तरह से समरी कर सकते हैं कि चलिए हेमंत कैबिनेट जो है वो एक तरह से ज्योग्राफिकल एस्पिरेशंस जो पब्लिक का होता है हमारे, वो भी एक रियलिटी है, या जो कास्ट एस्पिरेशंस होता है उसको पूरा करता है। लेकिन अंत में अपनी बात कुछ 1-2 पॉइंट्स दे के कहना चाहेंगे कि इस सरकार से लोगों की उम्मीदें क्या है या क्या वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में मेरी राय यह है कि 1-2 काम है जो इस सरकार को ज़रूर करने चाहिए। एक चीज़ जो मैं चाहूँगा कि ये सरकार करे वो ये है कि छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि वहाँ पर सिटीजन चार्टर आया पहली बार, और सिटीजन चार्टर में ये होता है कि सरकार जनता के द्वार पे जाती है इस तरह से कि जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, जो कागज़ और दस्तावेज के लिए गरीब लोग और गांव ग्रामीण खास करके उनको सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने होते, बहुत बड़ा वक्त उसमें जाया होता है मामूली काम में, तो इन कामों को अब इसको ऑनलाइन किया जाता है, इसको इसका टाइमलाइन फिक्स कर दिया जाता है और सरकारी जवाबदेही तय होती है
और वो दस्तावेज चल करके जनता के घर तक आता है। ये प्रक्रिया अभी दिल्ली में भी शुरू करने की कोशिश की गई है। तो सिटीजन चार्टर अगर लागू होता है हमारे यहाँ, इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे छत्तीसगढ़ की मिसाल दूँ कि वहाँ पर रमन सिंह जी को चावल वाले बाबा कहा गया, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को सुनिश्चित किया कि जिनकी आय कम है, 5,000 रियाल से कम है, तो उन्हें चावल की आपूर्ति हो, सुनिश्चित की इसकी व्यवस्था, जो राशन की व्यवस्था उसको सुनिश्चित की। अब आप देखें कि झारखंड देश का शायद अकेला राज्य है जहां अभी भी पीडीएस को आधार से लिंक किए जाने के वजह से गरीबों को राशन मिलने में परेशानी होती है, और मुख्यमंत्री ने कहा भी था हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री बनते ही कि इस चीज़ को वो देखेंगे। तो हमारे यहाँ का जो प्रशासन है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको थोड़ा चुस्त बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि वो पूरी तरह से हृदयहीन है। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि अगर कागजात पूरा नहीं होता है तो भी जनता को राशन मिलना चाहिए। वो बस अपने नियम कागजात देखते हैं कि इनका आधार कार्ड नहीं है तो इनको नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि सरकार जो हमारी है, वो जो समाज में सबसे बड़ा गरीब तबका है, उसकी बुनियादी ज़रूरतों को, मतलब जैसे राशन की ज़रूरत है, इनके बारे में थोड़ा गंभीरता से कुछ काम करे। और इसके अलावा एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे हमने आंध्र प्रदेश में देखा कि जगन मोहन रेड्डी की सरकार दिशा कानून लेके आई, उसमें है कि एक हफ्ते में रेप एक्यूज्ड को पुलिस जो है उस मामले में चार्जशीट कर देती है, एक ही हफ्ते का टाइम उनके पास, और कोर्ट को ये सारा जो ट्रायल है वो 2 हफ्ते में ख़त्म कर लेना है। अब ये क्विक जस्टिस कितना जस्टिफाइड है ये तो नहीं पता, लेकिन अगर इस तरह का कोई कानून हमारे राज्य में बनता है तो कम से कम एक मैसेज जाएगा कि ये जो 20 साल और 40 साल केसेस चलते हैं तो अपराधियों में कहीं ना कहीं कुछ डर कायम होगा। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ कि सरकार कुछ ऐसे काम करे, चूँकि सरकार का मुख्य काम विधायी होता है, लेजिस्लेटिव होता है, ऐसे कानून बनाना होता है जिससे कि जनता की ज़िंदगी में बदलाव आए। तो इस दिशा में मुझे लगता है कि सरकार को कुछ ऐसे काम करना चाहिए जो चाहे हेडलाइन न क्रिएट करे लेकिन जनता की ज़िंदगी में उससे फ़र्क पड़े। और अभी जैसे कि आज की आप खबर देखें, 1-2 दिन का अखबार देखें, तो मतलब झारखंड में इतना करप्शन है और इस तरह की खबरें आती है कि सिटी ऑफ द हर्ट में, राजधानी में, लालपुर में 32 मंजिला बिल्डिंग बन रही थी, कई सालों से बन रही थी। आप सोचिए वो आदिवासी ज़मीन था, कैसे ये सब चीज़ होता है। और जब मुख्यमंत्री यहाँ पर सामने आए तो उन्होंने नगर निगम को फटकार लगाई, तब ये सब चीज़ जाँच का सिलसिला चल रहा है। इसी तरह से कई विभाग में पाया गया कि टेंडर का घोटाला चल रहा है, मतलब इस तरह के टेंडर सैलेंजी यहाँ दिए गए हैं कि पता चला कि एक बड़ी कंपनी को 50 करोड़ का ठेका दे दिया गया और बाद में कहा गया कि आपने समय रहते, वक्त रहते काम पूरा नहीं किया, आपको 6 करोड़ रुपये दिए गए थे और आप इसकी इसका जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आपका टेंडर ख़त्म कर दिया जाए। तो उस कंपनी ने जवाब दिया कि हमने तो इस टेंडर के लिए अप्लाई भी नहीं किया था। तो इस तरह की धोखाधड़ी हमारे राज्य में हो रही है। तो जाहिर है कि जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है इस पर कड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है, ये मेरी निजी राय है। और अगर आप कुछ ऐड करना चाहें कि सरकार को क्या करना चाहिए तो इस तरह से बात करके हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल, मेरे हिसाब से 3 मुद्दे हैं जो हेमंत सरकार को इमीडिएटली या तुरंत देखने चाहिए। पहला, जो उन्होंने जो घोषणा की थी कि चुनावी वादा था उनका, कांग्रेस का भी और इसमें भी था, कि वो किसानों के कर्ज माफ़ी करेंगे 2 लाख रुपये तक, ये एक बड़ा मुद्दा है और आगे चल के ये उनके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि अभी झारखंड की अपनी आर्थिक हालत सही नहीं है। तो हेमंत सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि झारखंड में किसानों की हालत सही में ख़राब है और उनको इस तरह की राहत मिलनी चाहिए। दूसरा मुद्दा, आपने जो पीडीएस का बताया था उसमें भी उन्होंने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ वाला लागू करेंगे और जो प्रति किलो है वो माह वो उसको उसका प्रति किलो बढ़ाया जाएगा, 30 से 35 केजी किया जाएगा, इस तरह का वादा किया था उन्होंने। तो ये भी एक मुद्दा है जो आम जनता से जुड़ा हुआ है, जिस पर उनको तुरंत ध्यान देना चाहिए। तीसरी चीज़ है शिक्षा की स्थिति। झारखंड में शिक्षा की स्थिति बहुत ख़राब है और उसका बजट भी बहुत कम है, और झारखंड उन चुनिंदा कुछ राज्यों में से है जहाँ जहाँ पे जो शिक्षा का प्रतिशत है 67 के आसपास है और महिलाओं में वो 50% से भी कम है, जबकि बाकी जो ये राज्य हैं, तो अगर वो अगर यहाँ शिक्षा का स्तर बढ़ता है तो इससे रोज़गार को भी फ़ायदा मिलेगा और राज्य की आर्थिक स्थिति को भी गति मिलेगी। तो ये 3-4 चीज़ें थी जिस पर उनको तुरंत ही ध्यान देना चाहिए था। और एक चीज़ जो मुद्दा है जो जिसमें उनको दिखना चाहिए और जो विकास के लिए ज़रूरी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के 29 राज्यों में झारखंड का स्थान इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में 24वां है,
नीचे से तीसरा चौथा। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और जितने भी जो प्रोजेक्ट जैसा उन्होंने बताया उसमें भ्रष्टाचारी बहुत है पथ निर्माण विभाग में, तो वो जब तक उसको गति नहीं मिलेगी, विकास की गति इंफ्रास्ट्रक्चर से होती है, और वो जैसे जैसे उसकी गति मिलेगी राज्य की आर्थिक स्थिति और तमाम चीज़ें फ़ायदे में हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इनकी टीम अच्छी है, और अभी तक जो टीम दिख रही है उसमें ज़्यादातर लोग ईमानदार लोग हैं। अब जैसे कि जोबा मांझी का बहुत बढ़िया करियर ये रहा, रिकॉर्ड रहा है, उन्होंने इतने बार मंत्री में उनके खिलाफ कभी कोई केस नहीं आया, कभी कोई वैसे बात नहीं आई। इस तरह चंपई सोरेन है, ये बहुत सज्जन किस्म के ये हैं विधायक हैं। बादल पत्रलेख हैं, जिनके पास अपनी गाड़ी नहीं है, जो शपथ ग्रहण समारोह में आए थे वो ट्रेन में सेकेंड क्लास में बैठ के आए थे। तो ऐसे कई लोग हैं जो नए भी हैं और जिनको आप जेन्युइन और ईमानदार मंत्री कह सकते हैं, जिनकी शिक्षा या बाकी अनुभव कम भले हो, लेकिन हो सकता है उनकी कमिटमेंट और उनकी कर्मठता है वो देखने को मिले। और उस हिसाब से मैं मान सकता हूँ कि अभी कहा जा सकता है कि एक बहुत ही बैलेंस और उम्मीद भरी टीम दिख रही है। आशीष जयगर को जोड़ना चाहें। आखिर में एक करप्शन का एक पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि अभी अखबार में मैंने देखा है, इस तरह की खबरें और भी जगह आई है कि झारखंड में जो IPS ऑफिसर्स हैं शैलेंद्र जी, उनमें से 69 लोगों ने अपना इनकम का ब्यौरा दिया है सरकार को, और करीब करीब सभी करोड़पति हैं। और ख़ास बात यह है कि जो DGP है उनसे ज़्यादा आय इनकी है, इनमें से ज़्यादातर लोग के पास नोएडा में घर है। और इसको आप इस चीज़ से जोड़िए कि कुछ अर्से पहले, हमको लगता है 2 या 3 हफ्ते पहले, NIA की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि झारखंड में, जहाँ पर कि देश का 40% माइंस है, यहाँ पर अवैध खनन के काम में कई IPS ऑफिसर्स लिप्त है और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा। तो मेरा तो, अगर हमको कभी ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं मुख्यमंत्री से मिलूँ, तो मैं यही कहूँगा कि सर आप करप्शन को देखिए, अगर एक चीज़ आप ठीक करेंगे तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, और सब चीज़ ठीक करेंगे तो शायद सब चीज़ ठीक ना हो पाए। लेकिन वैसे ही कुछ लोगों का कहना है कि ईमानदारी एक तरह का मिथक है, ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है झारखंड में हमारे यहाँ। जो भी है, लोग उम्मीद तो रखते ही है, इसी उम्मीद के सहारे हर 5 साल पर उनको लगता है कि सरकार ठीक से नहीं काम कर रही, तो उसको बदलते भी है। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। आपको कैसा लगा हमारा ये प्रोग्राम, ज़रूर बताएं।